everyone, welcome back. It's Orbita. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to create this look. It is going to be a get ready with me video basically. I bought this saree recently, so I thought why not to create a Indian look, because you know, आगे के festivals आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत helpful हो जाएगा. So here we go, let's get started with our today's video. तो यहाँ पे this is my current skin condition. काफी सुधर चुका है. आई होप कि आगे आगे ये डार्क सर्कल भी कम हो जाएगा. टू प्रेप माई स्किन टुडे आई बी यूजिंग दिस प्राइमर बाय पर्पल. इट इज अ मैटिफाइंग प्राइमर जो कि आपके पोर्स को अच्छी तरीके से फिल करता है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट बनाता है एंड उसके साथ साथ आपके मेकअप को फ्लेकी नहीं बनाता है, विच इज अ रियली गुड थिंग. इसको अच्छी खासी क्वांटिटी में लेके मैं अपने स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ. As you can see, मेरे स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन भी है, डार्क सर्कल भी है, नोज एरिया पे भी थोड़ा सा पिगमेंटेशन है. इट इज वेरी नॉर्मल फॉर मी, लाइक मेरे स्किन पे ये हमेशा रहता है. मैं कुछ भी कर लूँ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपको पड़ता है तो आप कलर करेक्शन कर सकते हो. इसलिए मेकअप पे मैं ये स्टेप दिखा रही हूँ. अदरवाइज नॉर्मली जब मैं मेकअप करती हूँ ना, मैं कलर करेक्टर यूज नहीं करती हूँ. मैं एक फुल कवरेज फाउंडेशन यूज कर लेती हूँ, वो कवर हो जाता है. सो कलर करेक्टर यूज करने से क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा लाइटर फाउंडेशन यूज करते हो तो वो आशी नहीं लगता है एंड परफेक्टली आपके स्किन के साथ मैच कर जाता है. सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो यू कैन कम्प्लीटली स्किप दिस स्टेप. सो उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, ये स्टेक वर्किंग का फाउंडेशन स्टेक. ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, थोड़ा सा येल्लोइश है मेरे स्किन के हिसाब से. यू कैन सी, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो. तो मुझे इसका कवरेज काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ. ये काफ़ी ख़त्म भी हो चुका है, यू कैन सी. लेकिन 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 थोड़ा सा कलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे स्किन के साथ ये मैच नहीं करता है. थोड़ा सा डार्क लगता है, येलोइश लगता है. अदरवाइज आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस फाउंडेशन. बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करूंगी कंसीलर. इट इज बिकॉज मैंने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है ना, वो काफी येलोइश था, जैसे कि आपने देखा. अगर मैं एक लाइटर शेड का कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ अपने हाइलाइटर एरिया में तो सब कुछ बैलेंस्ड हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाट आई डिड हियर. जहाँ पे पिगमेंटेशन है, जहाँ पे हाइलाइटिंग एरियाज है, वहां पे मैंने बस कंसीलर को अप्लाई कर लिया है. ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर मैंने अप्लाई किया है एंड थोड़ा सा मैं वेट करूंगी सो दैट वो एरिया अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर ले. एंड देन उसी के अंदर ही मैं अपना जो आईब्राउ है उनको फिल कर रही हूँ, बिकॉज मुझे आईब्राउ को भी थोड़ा सा हाईलाइट करना है यूजिंग दैट सेम कंसीलर. तो अभी आप देखो मैं इतनी बहुत ही टाइम टेकिंग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आईब्राउज को फिल कर रही हूँ. आईब्राउज आर समथिंग जो कि बहुत ही आपके फेस के फीचर के अंदर उभर के आते हैं, तो टेक योर ओन टाइम एंड उनको अच्छी तरीके से फिल करो. ऐसा नहीं है कि आप किससे भी ड्रॉ कर लो अपने आईब्राउ को, ऐसे नहीं होता है. उसके बाद मैं कंसीलर लेके अपने आईब्राउज को डिफाइन कर रही हूँ सो दैट वो प्रोमिनेंट लगे, ऐसा ना लगे कि आपने फेकली उनको ड्रॉ किया है. सो यस, अभी इसके बाद मैं उनको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी using my concealer brush. इन सारे चीजों के बाद फेस को सेट करते हैं यूजिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर. यू कैन यूज योर लूज पाउडर ऑल्सो, बट आज कुछ हैवी करने की जरूरत थी ही नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमने जो बेस है वो हमने तगड़ा रखा है. तो पाउडर आप जितना भी लो रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही थी. इट इज सो गुड, इट इज सो सटल, आपके फेस को ज्यादा हाईलाइट नहीं करता है. दैट्स वॉट आई लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट. देन मैं ब्लश यूज कर रही हूँ, ये पोज कॉस्मेटिक्स का. मुझे काफी अच्छा लगता है ये ब्लश, ये बहुत ही पिगमेंटेड है एंड After filming this video, ये मेरे हाथ से गिर के टूट गया. Wow! And that too. न
Now I'll be using this highlighter palette by Mars. I really love this palette. It is one of my favorite highlighters. Like Indian skin tone के लिए सारे के सारे shades इसमें available है. मैं 02 वाला palette use कर रही थी. सारे के सारे shade मेरे skin पे compliment करते हैं. And ये काफी subtle है. बिल्कुल भी इसमें glitters and chunky particles नहीं है. वो चीज़ मुझे काफी अच्छा लगता है. क्योंकि उस तरीके से ना काफी natural लगता है. नहीं तो कुछ-कुछ highlighters लगाने के बाद काफी fake and glittery लगते हैं. वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता. I love to use this highlighter. इसको मैं more often use करती हूँ. And इसको अच्छी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लेने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे. आज का आई लुक काफी सिंपल है, बहुत ही इजी है. आप क्रिएट कर सकते हो 2-3 मिनट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आपको बस 2 ही प्रोडक्ट चाहिए होंगे. एक है काजल. आप कोई भी ब्लैक पिगमेंटेड काजल ले लो. मैं ये सुगा कॉस्मेटिक्स का यूज कर रही हूँ. देन आप कोई भी ग्लिटर शेड ले लो, ब्रोंजी, कॉपर, आपके पास जो भी शेड गोल्डन, आपके पास जो भी शेड अवेलेबल है, ठीक है. देन आप क्या करो, काजल को जो है अच्छी तरीके से अपने आईलाइनर एरिया पे अप्लाई कर लो एंड उसको अच्छी तरीके से स्मोक आउट कर लो, स्मज कर लो. वो क्या हुआ, एक बेस बन गया आपके क्रीज एरिया में. देन उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है अपना ग्लिटर. क्योंकि हम फेस्टिव रेडी मतलब हो रहे थे एंड यू नो ओकेजन्स आर ऑल अबाउट ग्लिटर्स एंड यू नो ड्रामेटिक लुक्स, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ड्रामेटिक इसको करते हैं बट हम इसको ईजी साइड में रखेंगे सो दैट एनी वन कैन कैरी दिस मेकअप लुक एंड एनी वन कैन क्रिएट दिस मेकअप लुक. सो मैं, आप देख सकते हो, ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर यूज कर रही हूँ. ये 03 शेड है, बहुत ही ब्यूटिफुल शैम्पेन कलर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. एंड या देख, मैं काजल लेके सेम सुगा कॉस्मेटिक्स का नीचे लोअर लैश लाइन एरिया पे भी अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी. मैं ब्लू हेवन का मस्कारा यूज करूँगी बिकॉज ये वाला मस्कारा काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड काफ़ी अच्छा काम भी करता है. ऑल थैंक्स टू द ब्रांड कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ब्लू हेवन का इतना अच्छा मस्कारा अवेलेबल है मार्केट में. सो अच्छे खासे क्वान्टिटी में, लाइक अच्छी तरीके से अप्लाई 2-3 कोट में लगा रही हूँ सो दैट वो ना थोड़ा सा फॉल्स आईलैशेस का जो लुक है वो भी दे दें. यहाँ पे मैं न्यूड लिपस्टिक आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ सो दैट सब कुछ बैलेंस हो जाए, बिकॉज मैं स्काई कलर का साड़ी पहनने वाली हूँ. उसके साथ साथ मैंने आईज ग्लिटरी रखा है. सो लिपस्टिक डार्क रखेंगे तो इतना खास नहीं लगेगा, तो मैंने न्यूड रखा है यहाँ पे. पहले तो यहाँ पे मैं वेट इन वाइल्ड का चेस्टनट शेड यूज कर रही हूँ टू आउटलाइन माई लिप्स. देन मैं जस्ट हर्बल का मिनी लिपस्टिक यूज कर रही हूँ. ये 17 शेड है. जॉस्ट हर्बल का ना एक पैकेट आता है लिपस्टिक का, मिनी लिपस्टिक का, उसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं. उसमें से मैंने एक मिनी लिपस्टिक, न्यूड लिपस्टिक चूज किया था एंड उसको मैंने बीच में अप्लाई कर लिया एंड हियर वी गो, बिंदी लगा के आई एम डन. थोड़ा सा इयररिंग, ये जो नेक पीस आज मैंने पहना है दिस इज फ्रॉम Amazon. ये एकदम सेट में आता है, नेक पीस एंड इयररिंग. ये बहुत पहले मैंने परचेज किया हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको पहनते हैं. एंड ये साड़ी जो आप देख रहे हो इसको मैंने मीसो से लिया है. ये बांधनी साड़ी है, मुझे बांधनी साड़ी बहुत पसंद है टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो या दिस इज द फाइनल लुक. आई होप कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद आया होगा. मेकअप लुक भी, साड़ी भी, ज्वेलरी भी, ओवरऑल आपको आइडिया काफ़ी अच्छा लगा होगा. अगर पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to my channel which is completely free. I will give all the links in the description box. I'll see you soon. Bye.